हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको आईब्रो फिलिंग का वीडियो दे रही हूँ कैसे बनाएंगे। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप आईब्रो फिल का मैं वीडियो बना के दीजिए कैसे फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलिंग लिया हुआ है और वो मैंने यहाँ पे ब्राउन लिया हुआ है। ब्लैक कभी भी आईब्रो में यूज़ नहीं करते हैं। आप लाइट ब्राउन ले सकते हैं, डार्क ब्राउन ले सकते हैं, ब्लैक नहीं ले सकते। ये दो कलर ले सकते हैं, एक आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आता है पाउडर फॉर्म में। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल रहे। यहाँ पे एक मैं बना चुकी हूँ और एंड मैं आपको दूसरी वीडियो पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाएंगे। पहले अपने बालों को कॉम करेंगे, जैसे सर के बालों को कॉम करते हैं वैसे ही आईब्रो के बालों को भी कॉम करना ज़रूरी रहता है ताकि वो सेट हो जाएं। उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिल कर पाएंगे। अगर इधर उधर बाल रहेंगे तो हम उसको फिल कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टफ रहता है। इस वजह से हम स्पूली जो अभी मैं कर रही थी वो उसको कहते हैं स्पूली ब्रश। उसके बाद ये वाला जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मुझे इसी आईब्रो फिलिंग जो मैंने दिखाई अभी स्विस ब्यूटी वाली पैलेट उसमें ही मिली हुई थी ये वाली ब्रश। तो इससे मैं सबसे पहले आपको ब्रश में प्रोडक्ट लेना है, हाथ में डॉट डॉट करना है, उसके बाद आईब्रो में लगाना है, वरना कहीं ज़्यादा लग जाएगा कहीं कम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हटाने में। इस वजह से यहाँ पे मैं जब फिल कर रही हूँ तो आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल आगे से स्टार्ट नहीं किया है लगाना। बिल्कुल आगे से स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है पीछे लग जाए, उसके बाद वो स्मज होके एकदम पूरा हो जाता है सही से। उसके बाद जब ब्रश में प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम उस ब्रश को आगे लेकर आएंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो आगे ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि फिर आगे से ही फिल नहीं करना चाहिए, आगे थोड़ी सी खाली खाली रहती है। उसके बाद जब स्पूली की हेल्प से पूरा मिक्स एंड मैच करेंगे तो वो पूरी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को जहाँ जहाँ जैसे वाइट वाइट दिखता है स्किन तो वहाँ पूरे में फिल कर लिया है। उसके बाद इस पुली की हेल्प से बहुत ही अच्छे से हेयर्स को सेट करेंगे, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से तो आईब्रो थोड़ी सी सेट हो जाती है, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं अपनी इस पुली की ब्रश से पूरी आईब्रो को सेट कर लिया है, पूरी सेट हो चुकी है। एंड जो फर्स्ट वाली थी वो तो मैं बना ही चुकी थी, उसको भी आप देख सकते हैं, इस वजह से मैंने पहले ही बना ली थी। एंड यहाँ मेरी दूसरी वाली भी बन गई है। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ तो बोलना भूल ही गई, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। एंड आपको दूसरी वीडियो कौन सी देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दूसरी वीडियो भी ले आऊँगी जल्दी। बाय बाय।